मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ डॉक्टर ए पी जे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी लखनऊ आई एम डॉक्टर तरुण कुमार गुप्ता एसोसिएट प्रोफेसर इन डिपार्टमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग जीएल बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट ग्रेटर नोएडा स्टूडेंट्स हियर वी आर डिस्कसिंग द सब्जेक्ट पावर प्लांट इंजीनियरिंग द सब्जेक्ट कोड इज के एम ई जीरो सेवन सिक्स दिस इज अवर ट्वेंटी फोर्थ लेक्चर इन दिस सीरीज Today we start nuclear power plant. So, this is our first lecture in nuclear power plant. So, you must know uh, about the introduction of the nuclear power plant. The base of nuclear power plant is the some radioactive material. So, before discussing the function and working of uh, any nuclear power plant, you must know some uh, introduction, some idea about atom and atomic structure, etcetera. So, first of all, we will discuss a uh, brief idea about atomic structure. सो डियर फ्रेंड्स ऑल ऑफ यू नो दैट एलिमेंट इज डिफाइंड एज ए सब्सटेंस विच कैन नॉट बी डिकम्पोज इन टू अदर सब्सटेंसिज ये सब आपने पहले पढ़ा हुआ है आप सब जानते हैं बट uh, एक इसको हम रिमाइंड कर रहे हैं जस्ट uh, रिफ्रेश कर रहे हैं आपके माइंड में सो so दैट आपको जो आपने जो पढ़ा हुआ है वो सारा एक बार रिकॉल हो जाए द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच टेक्स पार्ट इन केमिकल रिएक्शन इज नॉन एज एन एटम राइट अब आप जानते हैं एटम वर्ड कहाँ से आया दिस वर्ड एटम इज डिड फ्रॉम ग्रीक वर्ड एटम विच मीन इन डिविजिबल एंडरी लॉन्ग टाइम दॉ आई टोल्ड यू फॉर ए वेरी ऐसा आया कि जब एटम को डिविजिबल कर दिया गया डिवाइड कर दिया गया सो अवर चेंजिंग व्यू अबाउट द एटम सो सबसे पहले बताया गया था एटम आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर दिस वॉज द अर्ली ग्रीक Philosophy is uh, around 400 BC. right. This was early Greek uh, philosophy. Now, ne next uh, theory was given by J. J. Thompson in uh, 1898 to 1903, and he said negative electrons are embedded in a sea of positive charge. Theek hai? Then there was a model of Rutherford Ernst model in 1911. He said पॉजिटिव चार्ज इज लोकेटेड विद इन अ सेंट्रल न्यूक्लियस इसके बाद एक और मॉडल आया हमने नाम दिया उसको नील बोर मॉडल और नील बोर थ्योरी आप कह सकते हैं इन 1913 जस्ट टू इयर्स आफ्टर रदरफोर्ड मॉडल एंड ही सेड इलेक्ट्रॉन्स आर इन सर्कुलर ऑर्बिट विद क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल ठीक है आज की डेट में जो हम क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ते हैं जो मॉडर्न मॉडल है ही सेड इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाई रीजन ऑफ स्पेस क्स मैथमेटिकल एक एग्जाम्पल हमने यहाँ पर शो किया हुआ है ये एटम है कार्बन एटम सी इन द कार्बन देर आर टू ऑर्बिट्स टोटल सिक्स इलेक्ट्रॉन दिस ग्रीन नेगेटिव आर इलेक्ट्रॉन्स आई है प्रोटोन एंड ऑरेंज हुईटिव पॉजिटिव सो दिस आर प्रोटोन सो Proton, sorry, neutron. So proton and neutron are in the nucleus, in the center. You can see, and electrons. Six electrons are outer, on outer orbits, right? So here we can say, in the center, in the nucleus, there are six proton and six neutron, right? Okay. So, the chemistry is both body hai, but uh, we are discussing about the topic of our interest, uh, interest of the nuclear power plant. इन द न्यूक्र न्यूक्लियर प्रोसेस ठीक है अब न्यूक्लियर प्रोसेस देर आर टू टाइप ऑफ न्यूक्लियर प्रोसेस वन इज न्यूक्लियर फिशन अदर इज न्यूक्लियर राइट सो दोनों के बारे में बहुत आइडिया मैं आपको देता हूँ वट इज न्यूक्लियर फिशन अब न्यूक्लियर फिशन क्या होता है स्प्लिटिंग ऑफ ए हैवी अनस्टेबल मटीरियल और यू कैन से अनस्टेबल न्यूक्लियस सच एज यूरेनियम टू थर्टी थ्री यूरेनियम टू थर्टी फाइव प्लूटोनियम टू थर्टी नाइन इंटू टू और मोर लाइटर न्यूक्लियस एक एग्जाम्पल एक डायग्राम हमने यहाँ पर बनाया हुआ अगर आप देख, देख सकते हैं सो देर इज एनियम टू थर्टी फाइव ये आप देख रहे हैं यूरेनियम टू थर्टी फाइव है ये इलेक्ट्रॉन का इसके ऊपर बंबार्डमेंट किया गया सॉरी न्यूट्रॉन का एनमीन्स न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन का इसके ऊपर बम्बार्डमेंट किया गया सो इट विल स्प्लिट इज फास्ट इट कन्वर्ट इंटू यूनियनियम टू थर्टीन इट स्प्लिट इन क्रिप्टॉन एंड बेरियम

अभी न्यूक्लियर फ्यूजन का सबसे बढ़िया एग्जांपल है सन व्हाट इज हैपन न्यूक्लियर फ्यूजन न्यूक्लियर फ्यूजन इज द प्रोसेस वेयर टू लाइटर न्यूक्लिय कंबाइन टुगेदर अब देखिए वी हैव ए लाइटर न्यूक्लिई ड्यूटेरियम अदर इज ट्रिटियम सो बोथ विल कंबाइन हियर एंड इट विल फॉर्म कन्वर्ट इनटू हीलियम लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी एमिट्स एंड ए न्यूट्रॉन इज आल्सो देयर फ्री न्यूट्रॉन इज आल्सो देयर सो इन बोथ द प्रोसेस वेदर इट इज ए न्यूक्लियर फ्यूजन

सब न्यूक्लियर हैवी सब्सटेंस है इट विल ब्रेक इनटू टू दिस इज हैवी ब्रेक इनटू टू और इसका एग्जांपल मैंने आपको जो दिखाया हुआ है व्हाट इज इट इसको आइडेंटिफाई करने की आप लोग कोशिश करिए क्या चीज़ है ये यस इट इज न्यूक्लियर बम एटम बम क्लियर ये दूसरा डायग्राम मैंने आपको दिखाया फ्यूजन का टू लाइटर वन टू टू लाइटर न्यूक्लियस कंबाइन इंटू वन सो इट विल हैपन इन इसको भी आइडेंटिफाई करने की कोशिश कीजिए वट इज दिस फिगर दिस फिगर इज ऑफ सन ठीक है इसके बाद मैं थोड़ा सा और डिस्कस करना चाहूंगा दोनों का जो है न्यूक्लियर फिशन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन का अगर फिशन की हम बात करते हैं तो देखिए फिशन में हैवी अनस्टेबल न्यूक्लियन इज बम्बार्ड विद न्यूट्रॉन्स द न्यूक्लियस स्प्लिट इन टू टू फ्रेगमेंट ऑफ इक्वल मास एंड एनर्जी इज रिलीज एनर्जी इज रिलीज ये एनर्जी हमारे काम की है यही एनर्जी हमें चाहिए इसी एनर्जी को हम न्यूक्लियर पावर प्लांट में यूज कर रहे हैं ऑन द काउंटरी अगर मैं फ्यूजन की बात करता लाइट एलिमेंट फ्यूज टूगेदर रिलीज ऑफ एनर्जी अब ये सन में होता है जो रिलीज ऑफ एनर्जी है है ये हमें सन से मिलती अबाउट वन थाउजेंड ऑफ द मास इज कन्वर्टेड इंटू एनर्जी एंड हियर इट इज पॉसिबल टू हैव फोर थाउजेंड मास कन्वर्टेड इंटू एनर्जी क्लियर न्यूक्लियर रिएक्शन रेजिड प्रॉब्लम इज ग्रेट वेरी लेस नेक्स्ट अगर मैं बात करूं अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिव मैटी इन ए फिशन रिएक्टर इज वेरी हाई ए पॉसिबल एडवांटेज इज दैट टोटल अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिव मेटीरियल इन ए वर्किंग फ्यूजन रिएक्टर इज लाइकली टू बी वेरी मच लेस दैट इन ए फिशन रिएक्टर इंपॉर्टेंट पॉइंट है इन द फ्यूजन इन द सॉरी इन द फिशन बिकॉज ऑफ हायर रेडियो एक्टिव मैटील health hazards are very high in case of accident and in this case because there are lesser radioactive materials so health hazards are much less as compared to nuclear fission in the fission it is possible to construct self sustained fission reactors and have positive energy release and in the fusion it is extremely difficult to control construct controlled fusion reactor

रिजर्व ऑफ ड्यूटेरियम एंड फ्यूजन एलिमेंट्स आर अवेलेबल इन लार्ज क्वान्टिटी सो दीज आर द डिफ्रेंसिस यू कैन से फ्यूशन वर्सेज फ्यूजन प्रोसेस राइट इसके बाद हम थोड़ा सा हिस्ट्री की बात करेंगे न्यूक्लियर पावर प्लांट और एटोमिक पावर प्लांट की कि ये कंसेप्ट कहाँ से आया माइंड में सो फर्स्ट इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन इन लैब ये जो न्यूक्लियर न्यूक्लियर प्रोसेस है जो सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन की गई थी लैब में की गई थी एट ट्वेंटी दिसंबर नाइनटीन फिफ्टी वन इन आर्को इडाहो यूएसए

तो इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो प्रेजेंटली वी आर हैविंग प्रोड्यूसिंग टू 6,780 हंड्रेड एटी द जनरेशन कैपेसिटी एंड तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन वाज़ द फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट विच इज इन महाराष्ट्र इंडिया राइट इसके बाद थोड़ा सा वर्किंग प्रिंसिपल की हम बात करते हैं वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर सो आई टोल्ड यू की एक हैवी मटीरियल होता है उस पर न्यूट्रॉन की बंबार्डमेंट करते हैं सो इट इज़ ऑलरेडी मैंशन हीयर यू कैन से वेन आर न्यूट्रॉन स्ट्राइक्स एन ऐटम ऑफ यूरेनियम और प्लूटोनियम इट स्प्लिट इन टू टू लाइटर एटम्स एंड रिलीज हाई एनर्जी साइमल्टेनियसली और मैंने बताया कि ये हाई एनर्जी हमारी रिक्वायरमेंट है यही हमें चाहिए मोर एनर्जी इज रिलीज ईच टाइम एन अदर एटम स्प्लिट्स दिस इज कॉल्ड अ चेन रिएक्शन राइट एक देखिए मैंने लिखा हुआ है यूरेनियम टू थर्टी फाइव इसके ऊपर हमने एक न्यूट्रॉन स्ट्राइक किया सो क्या बन गया यहाँ पर अगर आप देखना सो बेरियम बेरियम एंड चाहेंटी टू बन गया ये एवरेज है दो रिएक्शन है तो फाइव न्यूट्रॉन होंगे यहाँ पर एंड इन ईच रिएक्शन टू हंड्रेड मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इज रिलीज्ड of right. neutrons 2.5 neutrons these neutrons produced are very fast and can be made to fission other nucleus of uranium 235 thus setting up a chain reaction right out of these 2.5 uh, neutrons, only one neutron is used for chain reaction only one neutron is used right. मैंने आपको बताया 200 हंड्रेड मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इलेक्ट्री एनर्जी रिलीज होती है सो वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का मतलब था वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन डिस्ट्रिक पावर नाइनटीन सॉरी माइनस नाइनटीन जूल सो वेन एवर आई एम टॉकिंग अबाउट वन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इट मीन्स टेन डिस्ट्रिक पावर सिक्स इलेक्ट्रॉन वोल्ट सो आप कैलकुलेट कर लें कि एक रिएक्शन में कितनी एनर्जी हमें मिल रही है और इफ़ देर इज अ चेन रिएक्शन तो कितनी एनर्जी हमको अवेलेबल होगी मैं एडवांटेज की बात करता हूँ यहाँ पर वी आर टॉकिंग अबाउट एडवांटेज ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट सो देर आर वेरी मच एडवांटेज लार्ज एडवांटेज ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट एज देखिए रिक्वायरमेंट ऑफ स्पेस इज़ वेरी लेस एज कंपेयर टू अदर पावर प्लांट्स चाहे आप स्टीम पावर प्लांट की बात करें यू आर टॉकिंग अबाउट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट और एनी अदर टाइप ऑफ पावर प्लांट सो रिक्वायरमेंट ऑफ स्पेस इज वेरी लेस एज कंपेयर टू अदर पावर प्लांट राइट Nuclear power plant can meet the large power demand at very reasonable cost. Also, they give better performance at high load, high load factor. If I am talking about the fuel, a nuclear power plant uses very less fuel as compared to fossil fuel plant. One metric ton of uranium, one metric ton of uranium fuel, it will give the energy as equal as given by the 3 million metric ton of the coal. ज वेल एज 12 मिलियन बैरल ऑफ द ऑयल इतनी एनर्जी फ्यूल से मिलती है राइट सो यू कैन अच्छा जो न्यूक्लियर पावर प्लांट होता है इसमें डेली में यूरेनियम को फिल नहीं करना यू फिल्म और कई महीनों के लिए आप भूल जाइए कैंडू रिएक्टर की बात करूंगा इट इज ए टाइप ऑफ रिएक्टर कैंडू रियक्टर में एक बार फ्यूल फिल करते हैं और लगभग सिक्स मंथ तक आपको दोबारा फ्यूल नहीं करना इट मीन्स आपको स्टॉक में फ्यूल नहीं रखना उसका वेस्ट नहीं है जैसे थर्मल पावर प्लांट में था आपको थर्टी डेज का कोल रखना है सो लार्ज अमाउंट ऑफ द स्पेस इज रिक्वायर्ड लार्ज अमाउंट ऑफ द कोल इज रिक्वायर्ड उसकी एश को रखने के लिए आपको अलग से स्पेस चाहिए सो देर इज नो एश राइट सिंस द फ्यूल कंजप्शन इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू कन्वेंशनल टाइप ऑफ पावर प्लांट सो देर इज सेविंग इन द कॉस्ट ऑफ फ्यूल ट्रांसपोर्टेशन ऑल्सो द न्यूक्लियर पावर प्लांट बिसाइड प्रोड्यूसिंग लार्ज अमाउंट ऑफ पावर दे प्रोड्यूस वैल्यूबल फिशेबल मटीरियल विच इज़ प्रोड्यूस्ड वैन फ्यूल इज रिन्यूड मीन्स केमिकल रिएक्शंस हो चुकी न्यूक्लियर रिएक्शन हो चुकी चेन रिएक्शन हो चुकी वहाँ से एनर्जी यूज़ कर चुके हैं जो बच गया दट इज ऑल्सो ए वेल्यूबल उसको ऐसे ही नहीं फेंक देते उसको भी यूज़ करते दैट इज ऑल्सो ए वेल्युबल मटीरियल द ऑपरेशन ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट इज़ वेरी मच रिलायेबल मीन्स वेदर कंडीशन का इस पर कोई असर नहीं पड़ता वैदर देयर इज रेनी सीजन और ड्राई सीजन सो इसका इस पर कोई प्रॉब्लम नहीं है न्यूक्लियर पावर प्लांट आर नॉट अफेक्टेड बाय वेदर कंडीशन बिगर कैपेसिटी ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट इज़ एन एडिशनल एडवांटेज आप चाहे कितना भी बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट लगा लें कोई इसमें इशू नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं है राइट द एक्सपेंडिचर ऑन मेटल स्ट्रक्चर पाइपिंग स्टोरेज मैकेनिज्म इज मच लोअर देन ए कोल बर्निंग पावर प्लांट मीन्स जो मेटलिक स्ट्रक्चर जैसे पाइपलाइन है स्टोरेज मैकेनिज्म है या कोई और मैकेनिज्म है उसके उस पर जो भी आप एक्सपेंसिज कर रहे हैं वो एक्सपेंसिज न्यूक्लियर पावर प्लांट में काफ़ी कम है एज कम्पेयर टू थर्मल पावर प्लांट बट स्टिल इतने सारे एडवांटेजेस होने के बाद ही वी आर नॉट यूजिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट सो वॉट आर द लिमिटेशन ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट क्यों नहीं यूज़ करते तो देखिए सबसे बड़ी लिमिटेशन तो यही कि जो रेडियो एक्टिव मटीरियल है ना इट इज़ नॉट अवेलेबल इन लार्ज क्वान्टिटी एटलीस्ट इंडिया में तो लार्ज क्वान्टिटी में अवेलेबल नहीं है राइट right? सो द कैपिटल कॉस्ट ऑफ़ ए न्यूक्लियर पावर स्टेशन इज ऑलवेज हाई कैपिटल कॉस्ट मीज इनिशियल कॉस्ट आपको न्यूक्लियर रिएक्टर बनाना है एंड न्यूक्लियर रिएक्टर बनाने के लिए काफ़ी सारा कॉस्ट लगती है इन्वॉल्व होती है इसमें द डेंजर ऑफ रिडोएक्टिव एक्टिविटी ऑलवेज परसिस्ट इन द न्यूक्लियर स्टेशन राइट सो इसमें बहुत सारी प्रिकॉशंस हमें लेनी होती है केयर करनी होती है दिस प्लांट कैन नॉट बी ऑपरेटेड एट वेरिंग लोड एफिशेंटली सो so, अगर वेरिंग लोड है बार बार लोड फ्लक्चुएट हो रहा है तो बहुत ज्यादा एफिशिएंसी आपको नहीं मिलेगी मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ दिस टाइप ऑफ प्लांट इज वेरी यू नो बिकॉज लैक ऑफ स्टेंडाइजेशन एंड हाई सैलरी ऑफ ट्रेंड स्टाफ इन द फील्ड ऑफ स्पेशलाइजेशन सो मेंटेनेंस करने वाले जो पर्सन हैं दे आर वेरी मच ट्रेन्ड सो देअर सैलरीज आर वेरी हाई स्टिल जो पार्ट्स आप यूज कर रहे हैं दो पार्ट आर ऑल्सो स्पेशलाइज पार्ट

वर्किंग कंडीशन इन द न्यूक्लियर पावर स्टेशन आर ऑलवेज डेट्रीमेंटल टू द हेल्थ ऑफ द वर्कर सो कितना भी कोशिश कर लें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होने के चांसेस रहते हैं स्टिल इतने सारे एडवांटेजेस होने के बाद हम न्यूक्लियर पावर प्लांट यूज कर रहे हैं राइट सो न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए हमें साइट सिलेक्ट करनी होती है कौन सी साइट को हम सिलेक्ट करें न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए सो डियर फ्रेंड्स न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए जो साइट हम सेलेक्ट करते हैं उसके लिए बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है क्योंकि इसमें एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि इन केस ऑफ एक्सप्लोजन देर ए रेडियो एक्टिविटी राइट तो प्रॉक्सिमिटी टू लोड सेंटर पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन लैंड यूज मेट्रियोलॉजी जियोलॉजी सिस्मोलॉजी हाइड्रोलॉजी ये सारे पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं आई विल डिस्कस दीज पॉइंट्स वन बाई वन जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल आई प्रॉक्सिमिटी टू द लोड सेंटर राइट अप्रॉक्सीमेटी टू द लोड सेंटर की मैं बात करता हूँ अगर मैं सो प्रोक्सीमेटी टू द लोड सेंटर में देखिए लोड सेंटर के पास आपको होना चाहिए इलेक्ट्रिकल पावर कैन बी ट्रांसमिटेड ओवर कंसिडरेबल डिस्टेंस बाय पावर ट्रांसमिशन लाइन डेट ग्रिड ग्रिड का ज़माना है आज की डेट में थ्रू आउट सभी जगह ग्रिड है सो ग्रिड में केबल्स हैं ट्रांसमिशन वायरस हैं यू कैन सप्लाई द पावर फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस बट बिकॉज ऑफ कैपिटल कॉस्ट ऑफ द लाइन एंड राइट ऑफ वे

It is apparent that uh, the closer the power plant site can be located to the load center, right? So while meeting other requirement such as reasonable land cost, adequate cooling water, local zone restriction, accessibility for fuel shipment etc. तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आपको बाकी पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए ऐसी साइट सिलेक्ट करनी है जो लोड सेंटर के पास में हो, right? So the lower can be the cost of the power delivered to the consumer. तो so, जितना लोड सेंटर के पास होंगे उतना ट्रांसमिशन कॉस्ट कम हो जाएगी नेक्स्ट पॉइंट आता है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन अब देखिए न्यूक्लियर पावर प्लांट है इसको पॉपुलेशन यानी हाईली डेंस एरिया के बीच में या सिटी के बीच में इसको इंस्टॉल नहीं कर सकते वी आर ऑलवेज ट्राइंग टू इंस्टॉल सच टाइप ऑफ पावर प्लांट अवे फ्रॉम द सिटी सो सिंस पावर पावर रिएक्टर्स मस्ट बी लोकेटेड रीजनेबली क्लोज टू द लोड सेंटर बट द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन around the साइट इज a नेसेसरी कंसिडरेबल इन the evaluation ऑफ a न्यूक्लियर पावर प्लांट साइट ठीक है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि न्यूक्लियर पावर प्लांट को अपने सिटी के सेंटर में नहीं लगाना सिटी से दूर लगाना है लेकिन पहला मैंने बताया कि क्लोज टू लोड सेंटर सो यू हैव टू ऑप्टिमाइज ऑल द फैक्टर्स ऑल द पॉइंट्स कि भाई लोड सेंटर के भी अप्रॉक्सीमिटी में हो पास में हो और पॉपुलेशन से भी थोड़ा सा दूर रहे द डिस्टेंस द साइट मेट्रोलॉजिकल कंडीशन एंड द अमाउंट ऑफ रिडक्टिव मटीरियल विच कुड बी रिलीज फ्रॉम द प्लांट ड्यूरिंग अ मेजर एक्सीडेंट ध्यान रखिएगा विच कुड बी रिलीज इसका मतलब हमेशा रिलीज होगा ठीक है विच कुड बी रिलीज फ्रॉम द प्लांट ड्यूरिंग अ मेजर एक्सीडेंट इंडिया में भी ऐसी कोई हिस्ट्री नहीं है ध्यान रखना मेजर एक्सीडेंट आर यूज टू एवेल्युएट द सुटेबिलिटी ऑफ द साइट फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ सेफ्टी टू द पब्लिक in addition to the permanent population surrounding a site, it is also necessary to consider part-time peak in population, such as during the day, during the weekend, in the recreational areas, during the festival season. Right? So, you have to consider. so i have mentioned that reasonable, thin populated area is always preferred. reasonable, thin populated area is always preferred. इसके बाद हम बात करते हैं लैंड यूज़ की देखिए अब लैंड यूज़ कैसी होनी चाहिए आपने ध्यान रखना है कि हम हमेशा वी ऑलवेज ट्राई कि भी जो भी हम लैंड यूज कर रहे हैं वो एग्रीकल्चर लैंड ना हो ठीक है ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है सो so, यहाँ पर भी हम कहेंगे लैंड यूज द यूज टू विच द लैंड सराउंडिंग अ न्यूक्लियर पावर प्लांट इज बींग पुट इवन दो इट मे नॉट बी डेंस पॉपुलेटेड बट मे हैव एन इफेक्ट ऑन द सुटेबिलिटी ऑफ साइट फॉर अ न्यूक्लियर पावर प्लांट फॉर एग्जाम्पल इफ लैंड इज यूज फॉर एग्रीकल्चर इंजेक्शन ऑफ फूड विच हैज़ बीन कंटेमिनेटेड बाई अ फॉल आउट आफ्टर एन एक्सीडेंट माइट कंसिवेबली रिजल्ट इन अ ग्रेटर रेडिएशन डोज टू द पब्लिक देन माइट बी रिसीव फ्रॉम डायरेक्ट एक्सपोजर टू रेडियक्टिव मेटेरियल ट्रांसपोर्टेड थ्रू द प्लांट डाउन विंड ठीक है सिमिलरली अवर कंसर्न इज विद मेराइन लाइफ स्टेशनरी शेल्फिज इन पर्टिकुलर कि भाई बिकॉज जो जो रेडियोटिव का जो एफ होगा इसको भी हम कंट्रोल्ड uh, वे में किसी वाटर बॉडी में रिलीज करेंगे सो वेन वी आर रिलीजिंग इट इन वाटर बॉडीज हमें ये ध्यान रखना है कि वो जो मेराइन लाइफ है या स्टेचनरी शेल्फिस है ये इनको कोई डेंजर ना हो ये इनके लिए हार्मफुल ना हो ठीक है सो ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम द कंसंट्रेशन ऑफ रेडियक्टिव कंसेबल कुड बिल्ट अप टू लेवल अप्रोचिंग मैक्सिमम परमिसबल कंसंट्रेशन अच्छा एक और चीज़ ध्यान में रखनी है कि जो हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट होता है इसमें से काफ़ी सारी हम रेडियो एक्टिविटी गैस भी रिलीज करते हैं तो ये जो गैस रिलीज करते हैं एयर की डायरेक्शन को देख करके और वहाँ पर के, उस, उस डायरेक्शन में कितनी पॉपुलेशन है उसके हिसाब से कैलकुलेट करके और बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी में छोड़ा गैस को रिलीज़ किया जाता है सो दैट एयर की वेलोसिटी के साथ एक लार्ज एरिया में चली जाए और वहाँ की पॉपुलेशन को ये कोई भी नुकसान ना करे हार्मफुल ना हो मेट्रोलॉजी की बात करते हैं कंसर्न बोथ फॉर नॉर्मल डिस्चार्ज ऑफ गैसियस रेडियो एक्टिव वेस्ट एंड फॉर मच लेस लाइकली रिलीज ऑफ लार्ज क्वांटिटी ऑफ ईयरबोर्न रेडियो एक्टिव मटीरियल विच माइट रिजल्ट फ्रॉम एन एक्सीडेंट राइट नंबर ऑफ मेट्रोलॉजिकल वेरिएबल आर नॉर्मली इवेल्यूएटेड फॉर द साइड सिलेक्शन एमंग दीज वेरिएबल्स कौन कौन से वेरिएबल्स हो सकते हैं जैसे नंबर वन विंड डायरेक्शन फ्रिक्वेंसीज राइट नंबर टू पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन नंबर टू में क्या है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन नंबर थ्री विंड वेलॉसिटीज एंड द फ्रिक्वेंसीज ठीक है ऑफ ईच वेलॉसिटी इंक्रीमेंट फ्रिक्वेंसी एंड ड्यूरेशन ऑफ काम्स एटमोस्फेरिक लैप्स रेट ठीक है फ्रीक्वेंसी एंड ड्यूरेशन ऑफ इन्वर्जन कंडीशन एटमोसफेरिक डायल्यूशन इज इंक्रीज एंड दस द मेट्रोलॉजिकल कंडीशन आर मोर फेवरेबल द मोर अनस्टेबल द and एंड द ग्रेटर द velocity. सो मेट्रोलॉजिकल कंडीशन आपको ध्यान रखनी है ठीक है इसके साथ साथ तो मैंने यहाँ पर कहा कि रेन आउट वगैरह का भी आपको ध्यान रखना है फिर हम बात करते हैं जियोलॉजिकल कंडीशन की इन्वेस्टिगेशन ऑफ द site जियोलॉजी इज necessary टू डिटरमाइन द bearing कैपेसिटी ऑफ द soil। देखिए जब हम न्यूक्लियर पावर प्लांट को हम इंस्टॉल करना चाहते हैं कहीं भी बनाना चाहते हैं तो वहाँ पर जो सबसे ज़्यादा हैवी स्ट्रक्चर होता है दैट इज न्यूक्लियर रिएक्टर सो न्यूक्लियर रिएक्टर इज वेरी हैवी स्ट्रक्चर सो जियोलॉजिकल कंडीशन को आपको स्टडी करना जरूरी है क्योंकि वहां की जो सॉइल है दैट मस्ट बियर द लोड ऑफ द न्यूक्लियर रिएक्टर ठीक है तो इसके लिए हम क्या करते हैं टेस्ट बोरिंग आर यूजली मेड फॉर दिस परपज जैसे कोई भी स्ट्रक्चर आपको बनाना तो उससे पहले हम सॉइल की टेस्टिंग करते हैं उसके लिए टेस्ट बोरिंग करते हैं वहां से सैंपल लेते हैं सैंपल लेने के बाद उसको हम लैब में चेक करते हैं और लैब में चेक करने के बाद हम बताते हैं वेदर दिस लैंड इज सुटेबल फॉर द साइट साइड सिलेक्शन और नॉट वेदर दिस लैंड इज सुटेबल फॉर न्यूक्लियर पावर प्लांट दिस लैंड कैन बियर द वेट ऑफ द न्यूक्लियर रिएक्टर और नॉट ठीक है इसके साथ साथ एक और प्रॉब्लम है कि अर्थ स्लाइड ड्यू टू सॉयल इनस्टेबिलिटी राइट सब्सिडेंस ड्यू टू रिमूवल ऑफ ऑयल और वाटर फ्रॉम सब सरफेस फॉर्मेशन एंड ग्राउंड डिसप्लेसमेंट ड्यूरिंग अर्थ क्विक आर ऑल्सो केयरफुल कंसिडरेबल ये सारे आपको ध्यान में रखने हैं इसके बाद पॉइंट है सिस्मोलॉजी सिस्मोलॉजी ऑल्सो इंपॉर्टेंट पॉइंट सिस्मोलॉजी क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट बिकॉज इट इट टोल्ड इट ऑलवेज इंडिकेट द अर्थक्वेक तो सिस्मोलॉजी इज ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न इज एरिया ऑफ हाई सिस्मिक एक्टिविटी बिकॉज द पॉसिबिलिटी दैट द फोर्स विच कैन प्रोड्यूस बाय अर्थक्वेक कुड बी सफिशेंट टू डैमेज द रिएक्टर सिस्टम एंड रप्चर द कंटेनमेंट स्ट्रक्चर और अगर मान लीजिए किसी भी रीजन से न्यूक्लियर रिएक्टर में रप्चर होता है क्रैक आता है फेल होता है एक्सप्लोजन होता है सो कितनी सारी रेडियो एक्टिविटी वहाँ पर हो जाएगी कितने सारे लोग मर जाएंगे कितना सारा नुकसान हो जाएगा तो इस सबको देखते हुए ये जो पॉइंट पॉइंट है हमारा अर्थक्वेक का पॉइंट सिस्मोलॉजी पॉइंट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट सो केयरफुल कंसिड्रेशन इज गिवन टू जनरल सिस्मिक हिस्ट्रीज ऑफ द एरिया इंक्लूडिंग अ डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑल अर्थक्वेक विच हैव बीन ऑब्जर्व एट द साइट द देयर मैग्नीट्यूड देयर इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम फॉर विच स्ट्रक्चर कुड बी रियलाइज्ड कंजर्वेटिव अर्थक्वेक डिजाइन फैक्टर यूजली सब्सटेंशियल ग्रेटर दैन दो रिक्वायर्ड बाई यूनिफॉर्म बिल्डिंग कोड आर यूज फॉर क्रिटिकल इक्विपमेंट एंड स्ट्रक्चर इन एरियाज ऑफ हाई सिस्मिक एक्टिविटी अच्छा ये जो कोस्टल एरियाज होते हैं वहाँ पर एक और प्रॉब्लम हो सकती है सुनामी सो वेन एवर यू आर कंस्ट्रक्टिंग और यू आर आइडेंटिफाइंग ए साइट फॉर न्यूक्लियर पावर प्लांट इन कोस्टल एरियाज सो ऑलवेज टेक केयर फॉर सोनामीज एंड कंसिडर द हिस्ट्री ऑफ द सुनामी ऑल्सो ठीक है सो एक लास्ट पॉइंट है हाइड्रोलॉजी हाइड्रोलॉजी <coughs> क्यों चाहिए बिकॉज लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड इन न्यूक्लियर पावर प्लांट सो हाइड्रोलॉजी को आपको ध्यान में रखना है बिकॉज वो कूलिंग टावर वहाँ पर है सो so वाटर की रिक्वायरमेंट होगी सो देयर शुड बी अ वाटर सोर्स लाइक कैनाल और रिवर मस्ट बी देयर और uh, ऐसा नहीं है कि वहाँ पर हम ग्राउंड uh, वाटर को यूज़ नहीं कर सकते हैं सो ऑलवेज वी हैव टू यूज़ द वाटर बॉडी सोर्स ऑफ द वाटर बॉडी वेदर इट इज़ रिवर और कैनाल सो यू हैव टू टेक केयर और साथ में क्या है कि जो हमारा एफ्यूलेंट है उस एफ्यूलेंट को काफ़ी लो रेडियोक्टिव में कन्वर्ट करके उसको भी हमें वाटर बॉडी में रिलीज़ करना होता है सो यू हैव टू टेक केयर अबाउट दिस ऑल्सो सो दिस इज़ अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट सो इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस फर्दर थैंक यू थैंक यू वेरी मच